स्वागत है भाई आप सबका चिडोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। और आज जो है ना भाई वुमेंस डे स्पेशल में हम आपके लिए एक ऐसा आउटलेट लेकर आए हैं जहाँ पे जो है ना ये तीन देवियाँ जो है इस आउटलेट को भाई रन कर रही हैं। सबसे पहले तो अपना अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम सोनाली है जी। और आपका? अंशी। और आपका? मेरा नाम साबी है। और आउटलेट को ओपन हुए कितना टाइम हुआ है जी? आउटलेट को ओपन हुए अभी हमको 2.5 months हुआ है। जो हमारा फर्स्ट डे था आउटलेट का वो था 25th of December क्रिसमस ईव। और कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, हमारे पास रिपीट कस्टमर्स आते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने तो इनके यार जो है ना इनके फूड की जो है पिक्चर्स वगैरह जो है सोशल मीडिया में देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ से मैंने इनको अप्रोच किया। और आगे जो है ना पता चला कि भाई तीन देवियाँ भाई इसको जो है ना रन कर रही है, तो मुझे लगा कि वुमेंस डे स्पेशल पे जो है ना ये वीडियो लानी बनती है। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जो है ना यार सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। सो ये हमारा नॉनवेज सेक्शन है जी। यहाँ पे हमारी जो भी नॉनवेज की आइटम तैयार होती है, चाहे वो फ्राइड हो चाहे वो स्टीम हो, वो सब कुछ इस सेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब नॉनवेज सारा का सारा बाहर और वेज अंदर बनता है। यस। सो ये हमारा चटनी काउंटर है जी। और ये हमारा मोमो काउंटर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वेज वाले मोमोज तैयार हो रहे हैं। यस सर जी। और हम लोग यहाँ पे फ्रेशली मोमोज डेली बनाते हैं। ये वाले हमारे वेज मोमोज हैं, ये हमारे पनीर मोमोज हैं, वो हमारे वेज मोमोज का पेस्ट है जी। जो हम फिलिंग उसके अंदर डालते हैं तो उसमें स्वीट कॉर्न तो नजर आ रहा है, साथ में क्या है, अनियन वगैरह? सो उसमें कैबेज है, कैरेट है, मशरूम है जी, और जिंजर है जी। आइए किचन चलते हैं। किचन को हमने ऐसे ही तैयार किया है कि हमारी सारी वेजिटेरियन आइटम्स हम किचन में तैयार कर पाएं जी। हमारी कटिंग इस साइड होती है और हम लोगों का जितना भी फ्राइंग हो गया या फिर स्टीम हो गया या फिर सॉटे हो गया वो इस सेक्शन में होता है। ठीक है जी। सो ये सेसमे टोस्ट है और ये ब्रेड के ऊपर हम लोग अपनी वेजिटेबल्स का पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद वाइट सेसमे सीड्स पे ये पूरा डिप होता है एंड देन डीप फ्राई होता है। बहुत बढ़िया, मतलब इसके अंदर वेजेस भी है? यस, वेजिटेबल्स हैं। अच्छा। सो पोटैटो, कैप्सिकम, कैरेट, स्वीट कॉर्न्स, मशरूम्स, ये सब का पेस्ट बनाकर इसमें डाला गया है। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ी देर हम लोग टिश्यूज पे रखेंगे ताकि सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, सर्व करने से पहले। जी जी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाएंगे जी? हम नेक्स्ट बनाएंगे चाइनीज तेले भाजा। ये कॉर्न फ्लावर एंड फ्लावर ऐड हो रहा है इसमें ताकि इसकी एक थिक कोटिंग हो पाए क्योंकि ये डीप फ्राइड होगा। और इसमें देख रहे हो काफी सारी वेजेस भी ली हमने, क्या क्या लिए इसमें? ब्रोकली नजर आ रही है। सो इसमें कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, बेल पेपर्स हैं। सो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं जी, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सेसमे सीड्स ऐड करेंगे ताकि एक तिल का एक सेसमे का फ्लेवर आ पाए जी। बहुत बढ़िया। अब इसमें वाटर ऐड हो रहा है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को थिक किया जाए जी इसके बैटर में। अब ये स्प्रेड करके ऑयल में जा रहा है ताकि अलग अलग सारी वेजिटेबल्स अलग अलग अपना बैटर पकड़े और फिर वो डीप फ्राइड होके अलग से उसमें उसकी कोटिंग आए और वो अलग से फ्राई होके बाहर आए। सो ये गार्लिक है जी, गार्लिक में टॉस होएगा, उसके बाद जिंजर जाएगा, हल्का सा जैसे ही ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जी जी जी। तो मतलब जो भी हमने अभी वेजेस जो फ्राई करी है वो सारी के सारी अब ये सौते होंगी इसके अंदर है? यस, ये सॉस तैयार हो रही है जिसमें वो सारी सौते होंगी। ठीक है। सो ये हमारी वेजिटेबल्स हैं सारी जो पहले फ्राई हुई थी। सो इस डिश का नाम है चाइनीज तेले भाजा क्योंकि ये बंगाली सेंट्रिक मार्केट है और तेले भाजा बंगाली मीनिंग है तेले भाजा का पकोड़ा। जी जी। सो इवनिंग में जो भी लोग निकलते हैं ज़्यादातर खाने के लिए या कुछ भी फूड ट्राई करने के लिए बाहर, या रेगुलरली भी जो लोग बाहर निकलते हैं सो उनका एक हैबिट होता है पकोड़ा खाने का शाम की चाय के साथ या कॉफी के साथ। बिल्कुल। सो इसीलिए हम लोगों ने इसको चाइनीज तेले भाजा नाम रखा है क्योंकि हम पहले इसको पकोड़ा स्टाइल में करते हैं जी। उसके बाद चाइनीज सॉस बनाकर उसमें उसको सॉटे करते हैं। और ये भी भैया ने क्या क्या डाला जा रहा थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। अब इसमें ये डार्क सोया जा रहा है जी। अब इसमें राइस वाइन विनेगर जाएगा। ठीक है। और उससे पहले भैया ने ये फ्लेवर दे, उससे पहले हमने डाला था गार्लिक, जिंजर, बाद में लास्ट में हमारा ग्रीन चिली कोरिएंडर जी। और इसकी लुक यार बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी जो है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है और पोर्शन साइज काफ़ी अच्छा है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंगरा चिली पनीर बनाने का जी। और ये इसमें हमने रेड एंड ग्रीन
रेड एंड ग्रीन चिली डाल दी है, अब हमने गार्लिक डाला है जी। इस डिश का नाम टैंगरा चिली पनीर इसलिए है क्योंकि कोलकाता में एक टैंगरा नाम की जगह है जी जी, और वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका एक ये टैंगरा नाम की काफी डिशेज हैं, क्योंकि अब क्या है टैंगरा एक फ्लेवर के नाम से भी जाना जाता है जी जी। सो इसीलिए हमारी आइटम, सिंस जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बंगाली सेंट्रिक मार्केट है जी जी, हम लोग आइटम्स वो रखते हैं जिसमें एक बंगाली टच भी आए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं और जो बेसिकली दिल्ली बॉर्न एंड रेज्ड हैं जी जी, वो लोग भी इसको पसंद कर पाए। मतलब ओल्ड और न्यू को आपने फ्यूजन बना दिया एक तरह से, है ना। इसीलिए हमारी थीम का नाम है री इमेजिन क्लासिक्स। बहुत बढ़िया जी। तो इसमें गया है अनियन जी, बेल पेपर्स जी, ग्रीन रेड एंड येलो, ठीक है जी। और ये अभी हमने क्या डाला, ये हमने डाला चिली गार्लिक। अच्छा, ये आपका खुद का तैयार किया हुआ? हाँ जी, ये हमारा इन हाउस तैयार किया। ठीक है, ये हमारी डार्क सोया सॉस है। ठीक है, और जैसे कि इसमें ये वाला जो हमारा जो पनीर होता है वो डेली मॉर्निंग में फ्रेश आता है, हमारे रेस्टोरेंट में डीप फ्रीजर नहीं रखा है हमने, हम लोग जो मॉर्निंग में लाते हैं वो शाम तक सेल आउट कर देते हैं। सब सॉस तैयार हो रही है तो पानी चला जाएगा इसमें। बहुत हल्का सा डाला है। हाँ जी, ताकि वो एक स्टिकी स्टिकीनेस आए चिली पनीर में, ज्यादा ग्रेवी भी नहीं आए। ठीक है जी, अब क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें शुगर ऐड होगा थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, पनीर में देख रहा हूँ मतलब कई जगह कोटेड वाला यूज करते हैं, है ना, मैरिनेशन करके उसको फ्राई करके, तो आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर रहे हो, काफी सॉफ्ट रहेगा। हाँ जी, ये स्प्रिंग अनियन ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, जिसको हम एकदम लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा कुक नहीं करते, फ्रेश एक वेजी ऊपर से उसका फ्लेवर है इसलिए। तो भाई हमारा टेबल यार दोस्तों रेडी हो चुका है, अब आप देख लो क्या कलरफुल टेबल लग रहा है ना, बहुत ही कमाल का है। सबसे पहली डिश जो मैं आपको बता रहा हूँ बंगा, जिसका क्या नाम है भाई? ये जी हमारे चाइनीज तेले भाजा। और भाई इसके अंदर जो है ना काफी अच्छी वेजेज वगैरह है, आप देख लो ब्रोकली है, मतलब बहुत जो है ना बेल पेपर्स वगैरह काफी सारी चीजें हैं, एग्जॉटिक वेजेस वगैरह हैं। साथ में मिली हमें एक ही चटनी। यार ये कौन सी है, ये तो भाई खाने पे पता चलेगा, लेकिन लुक जो है ना काफी अच्छी लग रही है। और भाई सेकंड आइटम है जी हमारा टांगड़ा चिली पनीर। और भाई इसके ऊपर काफी अच्छा जो है ना उन्होंने ग्रीन चिली और स्प्रिंग अनियन वगैरह डाले हुए हैं, और पनीर के पीसेस जो है ना काफी फ्रेश यूज करे हुए हैं। इसकी ना मेकिंग बिल्कुल डिफरेंट है जो बाकी जगह होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, और आप ये देखो यार स्प्रिंग अनियन वगैरह जो है ना काफी अच्छे बड़े बड़े पीसेस बढ़िया लग रहे हैं। वेजिस के ऊपर जो है ना इन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया है, इसके अंदर ऑयल तो उन्होंने बिल्कुल नाम का यूज किया था ना पनीर को, बिल्कुल भी बहुत बढ़िया, कुछ 8 से 10 पीस है भाई पनीर के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थर्ड आइटम मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये जो है ना कुछ डिफरेंट है। सेसमे टोस्ट भाई, इसके नीचे जो है ना नीचे ये ब्रेड है, मतलब ब्रेड है और उसके अंदर वेजेस वगैरह स्टफ्ड हैं, और ऊपर लगा रखे जी इन्होंने वाइट तिल। तो इसको जो है ना एक ब्रेक करके मैं देखना चाहता हूँ, काफी जबरदस्त है, मतलब नीचे जो है ना आपको ब्रेड का क्रंच आएगा, ऊपर वेजेस हैं, ऊपर जो है वाइट तिल है, तो साथ में सॉस दी हुई है। इस तरीके से इसको जो है डिप करके भाई टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है हमारे पैन फ्राइड एग्जॉटिक वेज मोमोज। बहुत बढ़िया भाई, और इनकी यार सबसे मेन चीज जो है ना प्रेजेंटेशन देखो, बहुत कमाल की कर रखी है यार, लुक जो है ना मतलब देख ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी प्रॉपर मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी जगह देख रहे हैं जिसमें ऊपर वो ऊपर डिप वगैरह लगी हुई है, और अंदर की भाई स्टफिंग देख लो यार, स्वीट कॉर्न काफी सारी वगैरह, काफी कुछ चीजें, बहुत चीजें हैं यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये है जी हमारे स्टीम पनीर मोमोस, हमारा जो फिफ्थ आइटम है भाई साहब, आप इसकी लुक देख लो, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके ऊपर ये जो आप ग्रीन चटनी देख रहे हो ना, ये स्प्रिंग अनियन का जो है इन्होंने डिप बना रखा है, और हाँ। वो भी मतलब उसके पीसेस क्लियर नजर आ रहे हैं, काफी बढ़िया लग रहे हैं। फिनिशिंग देखो आप मोमोस की, काफी बहुत कमाल किया। आपको एक पीस के जो है ना इसके अंदर की स्टफिंग दिखाता हूँ, आप ये देखो यार बहुत बढ़िया, क्या बात है, पनीर वगैरह चीजें इसके अंदर भी काफी कुछ है, धनिया वगैरह चीजें हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मेरे से तो नहीं रहा जा रहा पंकज, अब टेस्ट करते हैं भाई। और भाई अब आ रही है जी इनको टेस्ट करने की, मैं आपको बता रहा हूँ लुक जो है ना बहुत कमाल के। कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले खाते हैं चाइनीज तेले भाजा, और भाई इसका प्राइस है 189 रुपीस, और इसके अंदर जो है ना कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, पोर्शन साइज हमने काफी अच्छा है उसमें दिया था कंटेनर में, लेकिन हमने इसको जो है ना प्लेट में करवा लिया। करें टेस्ट पहले? ऐसे ही खाते हैं। ओहो मजेदार, आई थिंक इसके साथ जो है ना कोई भी चटनी वगैरह की बिल्कुल भी
जरूरत नहीं लग रही है, चटपटा के मतलब इसके साथ कोई चटनी वगैरह की वैसे जरूरत है नहीं, मगर वो ट्राई जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि ये चीजें जो है ना हम भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा होगा बिल्कुल जेन्युइन जो है ना आपके साथ वही चीज शेयर करेंगे। करें वो प्याज को जो है ना कुछ अच्छे से अच्छी तरह भून के उसके कोई चटनी बना रखी है भाई, बहुत कमाल की लग रही है चटनी, बहुत अलग है। देखो भाई पहली चीज ट्राई करी है, वाकई में जो है ना बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना ना तो भाई मजेदार है बिल्कुल यार। और सेकंड चीज जो है पंकज, इसका क्या नाम है भाई? ये भाई हमारे सेसमे टोस्ट, इसके ऊपर जो व्हाइट तिल लगे हुए ना उसकी वजह से जो इसकी लुक आ रही है वो बहुत है, काफी अच्छी लेयर, आउटर लेयर भी नीचे की भी और ऊपर की काफी ज्यादा क्रिस्प है। टेस्ट करें चलो जी। मज़ेदार भाई मज़ेदार। एक तो जो है ना इसके नीचे जो ब्रेड है ना वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी हो रखी है, उसका क्रंच आ रहा है, लेकिन इसके इनर लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम जूसी है। इसके अंदर जो खेल है ना भाई बहुत तगड़े वाला जो खेल खेल रहा है वो है भाई ये वाइट तिल। इसका जो फ्राई होने के बाद जो टेस्ट है ना वो बहुत कमाल का है, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया डली है इसके अंदर जो मैश हुई हुई चिली सॉस जो दिए ना भाई बहुत अल्टीमेट है, मज़ा आ गया भाई। भाई सेसमे टोस्ट का प्राइस है 149 रुपीज़, और भाई इसके अंदर जो है ना आपको दो पीस मिलेंगे, मतलब हाफ हाफ करके चार पीस हो जाएंगे, और टेस्ट जो है ना बहुत कमाल का। अगर आपको वाइट तिल का टेस्ट पसंद है ना जो फ्राई होने के बाद बहुत कमाल का आता है, ये आपको बहुत मजा आएगा। मल्टीपल फ्लेवर्स आ रहे हैं, एक तो ऊपर की आउटर लेयर का फ्लेवर बहुत अच्छा बिल्कुल, है बिल्कुल। नीचे ब्रेड के क्रम वो जो फ्राई हुई है उसका टेस्ट आ रहा है और अंदर वेजेस का टेस्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है ना यार हम अपने ट्राई कर रहे हैं जी ये हमारे फ्राइड एक्सोटिक वेज मोमोज, वेज मोमोज तो टेस्ट करते हैं भाई। भाई इसका टेस्ट जो है ना बहुत कमाल का है, लेकिन इन्होंने जो इसके अंदर जो जादू कर रखा है ना वो ये है कि इसके ऊपर ही जो है ना इन्होंने वो जो सॉस लगा के उसकी गार्निशिंग कर रखी है ना वो सारी की सारी गेम चेंजिंग है, सारी की सारी गेम चेंजिंग है। स्वीट कॉर्न का तो बहुत देर में आपको टेस्ट पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रॉन्ग जो सॉस का फ्लेवर आ रहा है वो बहुत तगड़ा है बिल्कुल यार। और प्राइस क्या है बंगा इसका? भाई प्राइस है इसका 119, जिसमें आपको मिलेंगे 6 पीस। मतलब टेस्ट जो है ना बहुत कमाल के, अगर आपको मोमोज पसंद है तो भाई मतलब ऐसा हो रहा है कि जो जो चीज हम ट्राई करते जा रहे हैं तीन चीजें ट्राई करें, तीनों के तीनों एक से बढ़ के एक है भाई। नेक्स्ट करें या पहले उसको खत्म करेगा? पहले इसको खा लेते हैं। चल इसको खा ले। और अब बारी है जी हमारे पनीर वाले मोमोज, स्टीम्ड पनीर मोमोज बिल्कुल यार। अब इसको ट्राई करते हैं, लुक तो काफी अच्छी लग रही है, पनीर की स्टफिंग हमने आपको दिखाई दिया, करें टेस्ट। मजेदार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे पनीर का जो है ना फर्स्ट क्लास टेस्ट आ रहा है, ऊपर स्प्रिंग अनियन जो डाल रखा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मजेदार है। स्टफिंग ना काफी अच्छी खुली डली हुई है इसके अंदर पनीर, बिल्कुल बहुत मतलब प्रॉपर पता चलता है पनीर का बिल्कुल यार, बहुत अच्छा है भाई ये भी। भाई स्टीम मोमोज का प्राइस भी 119 है, दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। लास्ट हमारा रह गया जिसका क्या नाम है यार? ये हमारा चिल्ली पनीर। तो भाई अब इसको ट्राई करते हैं, ये ले भाई, लुक तो बहुत कमाल के लग रहे हैं, टेस्ट करके देखते हैं। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, तब पनीर इतना फ्रेश है। हाँ साफ पता चल रहा है कि बहुत फ्रेश पनीर यूज किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा इसमें ना दो डबल गेम है, जब जब आप जो उन्होंने सौते कर रखा है ना जो वेजेस वगैरह को जो कर रखा है भाई पैन फ्राई कर रखा है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, और जैसे पनीर जब आप खाते हो ना वो एकदम सॉफ्ट है और बहुत सॉफ्ट है, मतलब डबल फ्लेवर मिल रहा है इसके अंदर। चिल्ली पनीर हम सब जगह जहाँ खाते हैं वो आउटर लेयर इतनी वो हार्ड होती है फ्राई होने की वजह से, यहाँ पे फ्राई नहीं हुई बिल्कुल सॉफ्ट है। भाई टेंगड़ा चिली पनीर का प्राइस है 199 रुपीज़, और टाइमिंग है यहाँ की 3 PM टू 11 PM और 7 डेज ओपन है। बाकी भाई ये जोमेटो में भी है, और पैकिंग में आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास किस तरीके की पहुँचेगी। थर्माकोल ये यूज नहीं कर रहे तो ये भी जो ना भाई एक बहुत अच्छी पैकेजिंग है, और टेक अवे में भी भाई आप यहाँ आके इस तरीके से पैकिंग में ले जा सकते हो, और भाई फ्रेश बन के यहाँ पे खाने का मजा डबल है भाई। और हमने जितनी भी चीजें खाई है ना भाई एक से एक कमाल के, तो टेस्ट के मामले में तो यार एक नंबर, 100 में से 100 मैं दे सकता हूँ, मुझे फूड जो है ना यहाँ का इतना ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी नॉनवेज वाले भाई वो यहाँ आए टेस्ट करें और हमें फिर कमेंट में बता दे भाई कि आपको नॉनवेज यहाँ का कैसे लगता है। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।